सब्सक्राइब कीजिए केडी केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाइए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको लीचिंग प्रोसेस के बारे में बताया था। प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर जैसे मेटल भी हम उस मेटल से प्योर कर सकते हैं। उससे पहले एल्यूमिना के बारे में बताया था। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर। ठीक है, कंसेंट्रेटेड ओर से मेटल को प्योर करने का तरीका। तो सबसे पहले इस मेथड में स्टूडेंट्स हम किसी भी मेटल सल्फाइड को या मेटल कार्बोनेट को, मेटल ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करते हैं। आई रिपीट अगेन, मेटल ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है इस प्रोसेस के। ये प्रोसेस स्टूडेंट टू टाइप की होती है, आपको बता दूं। फर्स्ट है आपका डी इलेक्ट्रोनेशन, पहला क्या है डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, और सेकंड है स्टूडेंट आपका रिडक्शन। ठीक है, अब स्टूडेंट डी इलेक्ट्रोनेशन में एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, नाम से पता चल रहा है डी इलेक्ट्रोनेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस करना। अब ये डी इलेक्ट्रोनेशन स्टूडेंट टू टाइप की होती है, एक तो होती है कैल्सिनेशन और सेकंड क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, रोस्टिंग सॉरी। तो सबसे फर्स्ट हम आपको आज करवाएंगे इस लेक्चर में डी इलेक्ट्रोनेशन। तो राइट डाउन प्लीज, क्या कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। हालांकि मैं स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ फाइल भी आपके पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो जो स्टूडेंट्स अगर बाहर के स्टूडेंट्स मंगवाना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के आप नंबर दे सकते हो, उसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा। अदरवाइज जो मेरे ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कैल्सिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, लिखिए द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग मेटल और, मेटल और इनटू इट्स ऑक्साइड, इनटू इट्स ऑक्साइड आइदर अब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। मीन्स तुम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हो, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल और इन द एब्सेंस और लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, अगर एयर की प्रेजेंस बहुत कम है, लिमिटेड एयर है, तो उसकी प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट उसी को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। इज दैट क्लियर? फटाक से डेफिनेशन को राइट डाउन कर लीजिए। कैल्सिनेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि क्या मतलब होता है, किसी भी मेटल ओर को गर्म करना और अब्सेंस ऑफ एयर में उसको हीट करना तो वो अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, उसी को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। अगर बात करूं मैं कैल्सिनेशन के दौरान होता क्या है तो वो सुन लीजिए। तो यहां पर आप लिख लीजिए क्या, ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, ड्यूरिंग कैल्सिनेशन फॉलोइंग चेंज अकर। जो कैल्सिनेशन में जो चेंज अकर होते स्टूडेंट वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो लिख लीजिए, पहला इसमें यही है कि मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाते हैं स्टूडेंट, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। यस, लिखिए, मींस स्टूडेंट्स जब हम किसी मेटल ओर को गर्म करेंगे तो उसके ऊपर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सेकेंड चेंज इसमें स्टूडेंट ये आएगा कि कुछ इंप्योरिटीज वोलेटाइल नेचर की होती हैं। वोलेटाइल नेचर का मतलब होता है स्टूडेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है,
आई रिपीट अगेन, अगर मेटल के ओर पे ऐसी इंप्योरिटीज लगी हुई हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है, तो उनको हम गर्म करेंगे तो वो अपने ऑक्साइड बना के या फिर कोई दूसरी गैस बना के उड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखिए इंप्योरिटीज, वोलेटाइल इंप्योरिटीज, वोलेटाइल इंप्योरिटीज लाइक किस किस के भाई, जैसे आर्सेनिक हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ईटीसी, आर रिमूव, मीन्स ये हुआ कि वोलेटाइल का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ऐसी इंप्योरिटीज उड़ जाती है। थर्ड पॉइंट ये आएगा उसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो, जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी उड़ जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड चेंज इसमें क्या आएगा, वाटर मॉलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम द हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड क्या होते हैं सर, अरे जैसे CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, Al2O3.2H2O, ठीक है, बॉक्साइट। तो मींस जिनमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं स्टूडेंट्स, वो सब क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो फटाक से राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इराइज कर देता हूँ। यस, या तो वीडियो पॉज करके लिखो या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, हो गया। फोर्थ चेंज इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, कि कार्बोनेटेड जो ओर होते हैं ना, वही केवल इस मेथड में चेंज होते हैं अपने ऑक्साइड में। तो लिखिए फोर्थ चेंज, फोर्थ चेंज में क्या लिखोगे, कार्बोनेटेड ओर आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, केवल इस मेथड में, कैल्सिनेशन मेथड में, कार्बोनेटेड ओर ही क्या होते हैं बच्चों, रिमूव होते हैं, वो अपने ऑक्साइड में चेंज होते हैं। ठीक है, सल्फाइड नहीं होते इसमें। एक खास बात और, कैल्सिनेशन के दौरान स्टूडेंट्स, वो जो मेटल ओर होगा उसका सरफेस पोरस बन जाता है। क्या बन जाता है, पोरस। पोरस का मतलब क्या हो गया, पोरस का मतलब ये हो गया कि वो स्मूथ बन जाएगा, और ताकि जो वर्केबल स्टेज में वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि इट मेक्स मेटल और पोरस। ठीक है, हैंस इट इज वर्केबल या इट बिकेम वर्केबल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बेनिफिट हो गया। कैल्सिनेशन के दौरान क्या क्या होता है मैं बता चुका हूं, क्या कि ये कैल्सिनेशन केवल कार्बोनेट ओर के लिए यूज होती है, और आप ये भी कह सकते हो कि इसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं उनके लिए यूज होती है, जो सरफेस है वो पोरस बन जाएगा। ठीक है, और वोलेटाइल जो नेचर की इंप्योरिटीज होती है वो भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल स्टूडेंट, एग्जांपल आप देख लीजिए भाई, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, अगर आप इसको हीट करोगे, यहाँ पर O2 नहीं दिखाना आपको, O2 का मतलब ये हो जाएगा कि वो एक्सेस एयर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaO+CO2, इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं हाइड्रेटेड साल्ट का इसमें एग्जांपल दूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे ये है Fe2O3.3H2O, अगर मैं इसको हीट करूँगा स्टूडेंट, तो देखो ये इसका ऑक्साइड बन गया ना बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, क्या बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही इसमें आयरन ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3+3H2O, तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वेपर बन के उड़ जाते हैं। तो क्लियर ये हो गया कि कैल्सिनेशन मेथड केवल और केवल हाइड्रेटेड ऑक्साइड और किसके लिए होता है, कार्बोनेट के लिए। इज दैट क्लियर, अगर आप और भी एग्जांपल देना लेना चाहते हो तो एक जिंक कार्बोनेट का ले लो, ZnCO3। ठीक है, यहाँ हम इसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ से भी ZnO+CO2 गैस बाहर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम्स,
कैल्सिनेशन क्या होती है मैं बता चुका हूँ, मेटल ओर को उसके ऑक्साइड में बदलने का मेथड को कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑफ एयर यूज होती है या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसके दौरान क्या क्या होता है वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी रोस्टिंग, ठीक है। देखिए ये पार्ट चल रहे हैं, तो सेकंड डी इलेक्ट्रोनेशन का पार्ट लिखिए स्टूडेंट, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है बच्चों, लिखिए, इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्टिंग मेटल और, ठीक है, इनटू इट्स ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर की प्रेजेंस में मेटल ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करना ही रोस्टिंग कहलाता है। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में इसको लिखूं तो ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ओर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर की प्रेजेंस में मेटल ओर का ऑक्सीडेशन ही क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग रोस्टिंग व्हाट टाइप ऑफ चेंज विल बी अकर, ठीक है। तो लिख लीजिए ड्यूरिंग रोस्टिंग फॉलोइंग चेंज आर अकर। पहला तो वही स्टूडेंट्स, क्या मॉइस्चर्स आर रिमूव, ठीक है। सेकंड चेंज वही वोलेटाइल इंप्योरिटीज लाइक फॉस्फोर्स आर्सेनिक सल्फर ईटीसी आर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड, अपने ऑक्साइड की फॉर्म में ये इनकी इंप्योरिटी स्टूडेंट्स उड़ जाती है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में। और थर्ड इसमें जो चेंज आएगा स्टूडेंट वो यही आएगा कि ऑर्गेनिक मैटेरियल आर डिस्ट्रॉयड। यस, फटाक से लिख लीजिए, ऑर्गेनिक मैटेरियल डिस्ट्रॉयड का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, देखिए जो रोस्टिंग मेथड होता है वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडेशन मेथड होता है, और इसमें क्या होता है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं बच्चों, रिमूव हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर सर कौन कौन से हो गए भाई, कोई भी ऑर्गेनिक लेयर बन जाए, जैसे यूं कह सकते हो भाई इथर हो गया, बेंजीन, इस टाइप के मतलब कुछ लेयर बन जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर, जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल हो गया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इस प्रकार की जो लेयर बन जाएंगे स्टूडेंट्स वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव, और नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज भी क्या हो जाएंगी इसमें, रिमूव हो जाएंगी। लेकिन इस मेथड में स्टूडेंट्स सल्फाइड और ही केवल अपने ऑक्साइड में चेंज होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, लिख लीजिए क्या कि सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड, सल्फाइड और ही ऑक्साइड में चेंज होते हैं, ठीक है। और फिर बाकी वही स्टूडेंट क्या है, पोरस बना देता है सरफेस को, जो कि मैं पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। और नॉन मेटेलिक
इम्प्योरिटीज लाइक वही क्या फॉस्फोरस आर्सेनिक सल्फर ठीक है आर रिमूव्ड क्लियर। तो स्टूडेंट्स अगर मेन डिफरेंस की बात की जाए कैल्सिनेशन रोस्टिंग की तो बाकी जो चेंज है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि रोस्टिंग केवल सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करता है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट को और हाइड्रेटेड ऑक्साइड को चेंज करता है ठीक है। चलिए अब हम इसके एग्जांपल दे देते हैं स्टूडेंट आपको रोस्टिंग प्रोसेस के एग्जांपल। तो देखिए जैसे जिंक सल्फाइड करनी है तो जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड में अगर अब की बार यहाँ आपको ऑक्सीजन दिखानी पड़ेगी क्योंकि एक्सेस ऑफ एयर है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा जेड एन ओ ठीक है और प्लस एस ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, थ्री आ जाएगा यहाँ पर ठीक है, यहाँ टू आ जाएगा और यहाँ भी टू आ जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो मतलब ये हुआ कि सल्फाइड ओर हैं उनको अपने ऑक्साइड में बदलने के लिए जो मेथड यूज होता है स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं रोस्टिंग बोलते हैं। और भी आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कॉपर सल्फाइड है Cu2S प्लस O2, तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदल देगा इसको। देखो यहाँ पर ऑलवेज क्या बनेंगे ऑक्साइड, तो Cu2O प्लस SO2 ठीक है बैलेंस कर सकते हो आप, बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे यहाँ टू लिख दो बस क्लियर, और यहाँ टू लिख दो, टू टू जब फोर तो ये टू लिख दो क्लियर, बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन ठीक है। सल्फर टू है तो यहाँ भी टू कर दो ना, ये लो अब बैलेंस है टू टू फोर, टू टू जा फोर क्लियर। तो स्टूडेंट्स कैल्सिनेशन रोस्टिंग में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखिए व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो स्टूडेंट कैल्सिनेशन में आप क्या लिखोगे कि ये कार्बोनेट ओर के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है बेटा कार्बोनेट ओर के लिए, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए यूज होता है मींस जिनमें वाटर मॉलिक्यूल इंक्लूड हो ना उनके लिए कैल्सिनेशन यूज होता है। रोस्टिंग किसके लिए होता है स्टूडेंट्स सल्फाइड के लिए, स्टूडेंट याद रखना ये सल्फाइड के लिए। और इसका मेन डिफरेंस क्या है, ये एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लेकिन इसमें क्या होती है एक्सेस एयर होती है बच्चों, क्या होती है बेटा इसमें एक्सेस एयर। तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बहुत बड़े डिफरेंस हैं। और एक कॉमन बात स्टूडेंट्स, दोनों ही मेथड में और को ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, कभी आप कुछ और प्रोडक्ट बना दो या सिंपली मेटल ही बना दो, जैसे ZnS plus O2 है, कई बच्चे क्या कर देते हैं Zn plus SO2, जो कि रॉन्ग होगा बच्चों, क्या है उसको उसके ऑक्साइड में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके थैंक यू बाय।